नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। रीवा शहर में चलेंगे दो कलर के ऑटो, शहर के लिए अलग कलर का, ग्रामीण इलाके के लिए अलग कलर का। ग्रामीण इलाके के ऑटो शहर में प्रवेश नहीं करेंगे, इससे मिलेगी शहर को जाम से निजात। रीवा में दो कलर के ऑटो चलाने की तैयारी कर रहा है रीवा का यातायात विभाग। ग्रामीण इलाके के लिए अलग यातायात विभाग ऑटो चलवाएगा, शहर के लिए अलग कलर का ऑटो चलाएगा। शहर की यातायात व्यवस्था इससे दुरुस्त हो सकती है, ऐसा वह मानता है। वर्तमान में यातायात पुलिस कभी पटरी सही करवाती है, कभी सड़क के किनारे अतिक्रमण हटाती है, कभी चालानी कार्रवाई करती है, लेकिन इस समय शहर में ऑटो की संख्या में काफी तेजी से इजाफा हुआ है। वहीं फोर व्हीलर वाहनों की संख्या भी काफी बढ़ी है, टू व्हीलर वाहनों की संख्या तो काफी है ही। सड़क की चौड़ाई उस हिसाब से नहीं बढ़ी जिस हिसाब से शहर में वाहनों की संख्या। रीवा का यातायात विभाग साफ तौर से मानता है, अगर शहर में आने वाले ग्रामीण अंचल के ऑटो को रोक दिया जाए, वहीं शहर में चलने वाले ऑटो का रूट निर्धारित कर दिया जाए, इसमें सख्ती बरती जाए। हालांकि रूट निर्धारित है लेकिन उतनी सख्ती अभी नहीं है, तो जाम की समस्या से काफी हद तक निजात मिल सकती है। इस समय शहर में बेशुमार ऑटो हो गए हैं, ज्यादातर ऑटो भीड़ वाले इलाके में ही चलते हैं, वहां उनको ज्यादा सवारी मिलती है जिससे उनकी कमाई कुछ ज्यादा होती है। इसकी वजह से शहर में हर घंटे जाम की स्थिति निर्मित होती है। ग्रामीण इलाकों के अलग कलर के ऑटो चलाने की तैयारी कर रहा है यातायात विभाग, वहीं शहर के लिए अलग कलर के ऑटो का इंतजाम कर रहा है। मानता है इससे कुछ राहत मिलेगी, ग्रामीण अंचल के जो ऑटो होंगे उन्हें हम शहर में नहीं आने देंगे, अगर वो आएंगे तो उन पर दूर से ही नजर रखी जा सकेगी क्योंकि उनका कलर अलग होगा। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर हो सकती है, माना जा सकता है इस कदम से यातायात विभाग को। इस बारे में हमने यातायात विभाग के निरीक्षक से बात की, आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना है। अलग अलग रूटों पे ऑटो चलने का, तो क्या उसके पीछे स्टिकर या कुछ इस तरीके की प्लानिंग भी है कि हमें मालूम पड़ जाए कि ये ऑटो इस जगह पर जाएगा, हम उस ऑटो में बैठ जाए, या अभी ऐसा कुछ नहीं? जी बिल्कुल, अभी परिवहन विभाग से एक आदेश आ गया है जिसमें देहात के ऑटो का कलर अलग रहेगा और शहर के समस्त ऑटो का कलर अलग रहेगा, तो इससे हम डिवाइड कर पाएंगे कि देहात वाले ऑटो शहर में प्रवेश नहीं करेंगे, उससे रस कम हो जाएगा। दूसरा, माननीय हाईकोर्ट का आदेश है कि एक हफ्ते तक लगातार बिना परमिट अवैध चल रहे ऑटो को जब्त करना है, उन्हें न्यायालय भेजना है। इसी तारतम्य में कल लगभग 70 से 80 दो दिनों में ऑटो जब्त करके न्यायालय भेजे जा रहे हैं, तो काफी सुधार आ रहा है, यातायात व्यवस्था में भी सुधार आ रहा है। निश्चित रूप से ऑटो में एक, आज अखिलेश जी ने बड़ी बात बताई, ऑटो दो कलर के रहेंगे, देहात के ऑटो शहर में नहीं आएंगे, तो शहर में ट्रैफिक निश्चित रूप से कम हो जाएगा। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।